ये उस जमीन का नक्शा है जो जैन को चाहिए, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसे सिर्फ यही जमीन क्यों चाहिए? इस जमीन में ऐसा क्या है? और वो सिंह फोन नहीं उठा रहा है, फोन लगाओ उसे। नहीं लग रहा है मॉम। लीव इट। हेलो मिस्टर सिंह, फोन नहीं उठा रहा है। वैसे अब हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम किसके घर जा रहे हैं? वैसे हम ये इनविटेशन किसको दे रहे हैं? मिस्टर सिंह। सिंह? राजेश प्रताप सिंह? आई होप महक ने ऋषभ से कोई तो इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, क्योंकि सिर्फ वही एक है जो सब कुछ जानता है। मॉम, वैसे भी सिंह का पूरा नाम क्या है? जैंग बता रहा था कुछ राजेश प्रताप सिंह, ये जमीन उसी की है। क्या ये वही सिंह है जिसे उर्वशी ढूंढ रही है? क्या हो गया? रास्ता बंद है, आप आगे नहीं जा सकते। चलो चलो एक काम करते, यू टर्न करके वापस जाते हैं। नहीं, यहाँ तक आना तो वापस नहीं जाऊंगा। एक रास्ता बंद है तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। थैंक यू। मुझे भी तो इस सिंह से मिलना है, देखना है कि क्या ये वही राजेश प्रताप सिंह है। अब ये जाएगा तो जाऊंगी तो मैं भी। और ये आज की ब्रेकिंग न्यूज, उत्तरांचल की पहाड़ियों में एक बहुत ही अजीब और गरीब और खतरनाक जानवर ने कदम रखा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो जानवर या तो कोई रीच है या फिर खतरनाक ये थी। ऋषभ, तुम्हें तुम्हारी डील की पड़ी हुई है। मुझे ये थी से डर लग रहा है। पच्चीस सालों से कह रहे हैं नेपाल में येती कई बार देखा गया है। पिछले तीन सालों में नेपाल के लोगों ने एटलीस्ट चार बार येती को देखा है, लेकिन इंडिया में पिछले दस सालों से कहा जा रहा है कि येती हमें कभी दिखा ही नहीं। ऐसा भी क्या हो गया कि पहाड़ों को छोड़ के येती भारत देश में घुस चुका है? वो किसकी तलाश में घुसा है? सुना है येती तभी कहीं आता है जब उसे किसी को ढूंढना होता है। इंडिया में आके येती किसे ढूंढना चाहता है? खबर मिली है कि येती सामने दिख गया तो इंडियन आर्मी को बुलाया जाएगा उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वो येती सिर्फ भारत देश में घुसा नहीं है बल्कि शहरों की तरफ भी बढ़ रहा है। उसका अगला रास्ता उत्तराखंड हो सकता है। चलो वापस चलते हैं। हिना, तुम खामखा इतनी टेंशन ले रही हो। देखो ये गांव है, और तुमने सुना ना रेडियो पर वो क्या कह रहे थे? आर्मी लड़ने आ रही है उस यती से। और वैसे भी मेरे लिए ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे किसी भी हालत में वहां पे पहुंचना है। और किसको क्या ही पता है कि यती है भी या नहीं? ये न्यूज रिपोर्टर तुम जानती नहीं हो क्या कि आप इसके लिए कुछ भी अफवाह फैलाते हैं? लिसन, ये डील मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मुझे उत्तराखंड जाना है, अपने गेस्ट को इनवाइट करना है। मेरा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये। तुम्हें तो तुम्हारी डील की पड़ी हुई है। मुझे इस यति से बहुत डर लग रहा है। हीना, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे वो यति तुम्हारे पीछे ही आ रहा है। वो यति तुमसे लड़े बिना यहां से जाएगा नहीं। आखिर वो शेष नागिन के लिए तो आया है। Thank you.
वैसे तुम्हारे इस क्लाइंट का पूरा नाम क्या है? राजेश प्रताप सिंह। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। ये तो वही राजेश प्रताप सिंह है जिसे मासी फोन लगा रही थी। लेकिन मेरे ऊपर किसी की नजर भी तो है। वो यति, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। पर चलो, इस बात की खुशी भी तो है कि आज मेरा राजेश प्रताप सिंह से मिलना भी हो जाएगा। ये मिस्टर सिंह का फैमिली होम है। अभी कुछ वक्त पहले ही वो और उनकी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुए। बहुत बड़े इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। ओह रियली? इंडिया के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स लैंड और कंस्ट्रक्शन के उन्हीं को मिलते हैं। वाह। मैं भी उसे उस लैंड के बारे में पूछूंगी जो जैंग चाहता है, जिस पे हम अपना प्लान सेटअप कर सके, इंडिया पे अगला बार कर सके। बैठी ना सर, बैठी मैम, प्लीज। ये मिस्टर सिंह का है? सर वो तो आउट ऑफ टाउन गए हैं। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर उन्हें ऑल द वे इनविटेशन दे रहे हैं और वो आउट ऑफ टाउन चले गए हैं। सॉरी सर, वो आपके लिए मैसेज छोड़ के गए हैं। सॉरी सर, मेरा कुछ काम आ गया बॉम्बे में, तो अर्जेंटली जाना पड़ा। आपकी पार्टी है दिल्ली में, ये मुझे पता था। आई विल डेफिनेटली बी देयर। अगर ऐसा ही था तो एक फोन ही कर देते। सर उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सर यहाँ का नेटवर्क ही कुछ ठीक नहीं था। और सर उन्हें फ्लाइट पकड़ के जाना था और मुंबई भी पहुँचना था, वरना सर वो आपको खुद ही बता देते। और सर प्लान अभी कुछ घंटों पहले ही बना था सर। तो हमें यहाँ आने की जल्दी थी और उन्हें जाने की। हमने सोचा था कि उनको खुद इनवाइट कर पाएंगे, पर ट्रैफिक इतना था कि थोड़ा लेट हो गए। सर उन्होंने आप लोगों के लिए आधा घंटा वेट भी किया था, पर सर उन्हें जाना पड़ा। पर सर आप लोग उनके गेस्ट हैं और इतनी दूर से आप उन्हें इनविटेशन देने आए हैं। सर देर भी हो गई है और आप लोग थक भी गए हैं सर, तो आप लोग क्यों ना आज रात यहाँ रुक जाइए सर। No, it's okay. Please. सर आप कल सुबह जल्दी निकल जाइएगा सर। सुना है यहाँ पास के पहाड़ों में यति घूम रहे हैं। सर आप लोगों का रात का सफर जान का खतरा बन सकता है, आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए सर। कैबिन हाउस पहाड़ के पास ही है सर, सुना है यति वहीं घूम रहे हैं। बेशक, ये सही बोल रहे हैं, हम रात को यहीं रुक जाते हैं। रात को सफर करना सेफ नहीं होगा। ये 72 घंटे तुम पर बहुत भारी हैं। देखो वैसे मैं किसी यति वेति से डरता नहीं हूँ, लेकिन यू आर राइट, रात को ट्रैवल करना कुछ सेफ नहीं है, तो आज रात को हम यहीं रुक जाएंगे। चलिए सर, मैं आप दोनों का आपका रूम दिखा देता हूँ। आइए सर, आइए मैम। सर मैम, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। थैंक्स। थैंक यू। क्या हो गया ये, मैं इतनी डरी हुई क्यों? फिक्र मत करो, ये थी आने ही आने वाला। आराम कर लो, काफी लंबे रास्ते से आई। यति तुमसे लड़े बिना यहां से जाएगा नहीं, आखिर वो शेष नागिन के लिए ही तो आया।
सुना था। मुझे लगा वाकई में यति आ गया है। अभी मुझे मेरी मनी की शक्तियां जागृत करनी पड़ेंगी, वरना ये यति मुझे मार डालेगा। ओम त्र्यंबकम। तो जान जाते जाते ही बच गई। चला गया यति, चला गया। यति, आप शेष नागिन को ढूंढ रहे थे ना? लीजिए, ये शेष नागिन आपके सामने खड़ी है। हाँ, मैं ही हूं, नागिनों की महानागिन शेष नागिन।
मैं जानती हूँ आप कौन हो। आपने मुझे शेष नागिन बनाने के लिए जानबूझ के यति का रूप धारण किया है ना, ताकि महक डर से तीन बार कह दे कि वो शेष नागिन नहीं है। तो अब सच में वो शेष नागिन नहीं रही और अब वो पद मुझे मिल गया है और शेष नागिन मैं बन गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद की, पर अब यहाँ के आगे का रास्ता मुझे खुद ही तय करना है। शेषनाग ने कहा था ना कि आगे की कहानी सिर्फ तभी पता चलेगी जब इस किताब का पन्ना मैं खुद पलटूं। पर आगे का पन्ना तो आपको पलटना पड़ा क्योंकि मैं जिंदा थी। मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब ये भी है कि मुझे दिया गया लक्ष्य अब भी अधूरा है, अब उसे मुझे पूरा करना है। मैं जानती हूँ शेषनाग के कहने पे आप मेरी मदद करने आए हैं। फरिश्ता आपको और शेषनाग को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे शिव जी, आपकी मणि, आपकी नाग मणि अब मेरी नाभि में विराजित है। अपनी शक्ति से इस नाग मणि की शक्ति को जागृत करिए। ओम नमः शिवाय। जितने भी फ्रूट है ना सब दो दो पैक कर दे। मैडम पैसा? पुलिस वाले से पैसे लेगी? तेरी दुकान उठवा दूंगी। ऐसा मत करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची बीमार है मैडम जी, थोड़े तो पैसे दे दो। मेरी बच्ची बीमार है मैडम जी, ऐसा मत करो मैडम जी, पैसा दे दो। मैं ये पैसे रखो और अपनी बच्ची का इलाज करवा दो। देखो मैं भी एक माँ हूँ, बच्चे को खोने का दर्द समझती हूँ। तुम डरो मत, तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? कहाँ गई तू? सामने आ, क्या खिलवाड़ कर रही है? इधर आ।
प्रथा? पहचाना मुझे? तुम तो मर गई थी ना, तुम्हें तो फांसी हो गई थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो? कौन हो तुम? नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिन जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है, उन सब से मैं अपने बच्चे का इंतकाम लूंगी। तुम तो एक औरत होके दूसरी औरत के बच्चे को कैसे मार सकती हो? रूह नहीं कांपी तुम्हारी? औरत तो औरत, तुमने तो पुलिस की खाकी वर्दी का भी अपमान किया है। तो अब बस, इस शिववरदानी ने कुदरत के कानून को अपने हाथों में ले लिया है। बच्चे की हत्यारन, तैयार हो जा मरने के लिए। जय भोलेनाथ। रस्ते के बीच में क्यों चल रही है? इतना हॉर्न मार रहा हूं फिर भी नहीं हट रही है। ऋषभ क्या हुआ? गाड़ी से अचानक गाड़ी कंट्रोल कैसे हो गई? क्या हो गया? वो लड़की गाड़ी के सामने आ गई, एकदम से बहुत हॉर्न किया पर सामने से हटी नहीं, मैं देख कर आता। ऋषभ यहाँ तो कोई नहीं है। पर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, वो यहीं थी। पता नहीं एकदम से कहाँ चली गई। ऋषभ आज का दिन वैसे भी बहुत अजीब सा है, जल्दी घर जाते हैं। प्लीज सर गाड़ी धीरे से चलाना। ऋषभ ने कहा उसने एक लड़की को देखा, कहीं वो यति लड़की के रूप में तो नहीं आ गया? शुक्र है
मेरी मनी मेरे पास है। इस गुनाह की सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। शिव जी, मेरे ऊपर कहर बरसा है, न जाने कितनी बुरी नजर बरसी है। मेरे बच्चे को मार दिया गया है। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन थे, वो कितने थे। मुझे उनके चेहरे देखने शिव जी, मुझे उनके चेहरे दिखाइए शिव जी। शिव जी, तो ये है मेरे दुश्मन, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी एक एक करके, एक एक से हिसाब लूंगी, उनसे बदला लूंगी। ये एक शेष नागिन का वादा है, एक माँ का क्रोध है, एक औरत की ज्वाला है, एक शेष नागिन का बदला है जो कभी नहीं मरता। ये तूफान नहीं, चट्टान है, बहुत भयानक सा तूफान है। पता नहीं कुदरत में ऐसा क्या होने वाला है। होना क्या है, वो जैंग हम दोनों को मार देगा, क्योंकि उसे जो जमीन चाहिए थी वो तो हमें मिल नहीं सकी। क्या फायदा तुम्हारे शेष नागिन बन जाने का, इतनी शक्तियां होके भी तुम कुछ नहीं कर पाए। एक शेष नागिन के इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। नहीं छोड़ूंगी इन्हें, जो गलत है उसे सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दी है। मेरे बच्चे को मार के, और मुझे मेरे बच्चे की कसम है कि मैं सबको मार दूंगी। मुझे 33 कोटि देवी देवताओं की कसम, तीनों लोक चारों दिशाओं की कसम, सूरज चांद सितारों की कसम, ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम, मेरे ईष्ट मेरे देव की कसम, मेरे शिव जी की कसम, मैं हर कातिल का कत्ल करूंगी, हर दुष्ट का विनाश करूंगी, हर पापी को सजा दूंगी,
मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं उन्हें। मैं अपने बच्चे का इंतकाम लेके रहूंगी जब तक मैं उनसे अपना इंतकाम नहीं ले लेती। मैं नहीं रुकूंगी और जब तक मैं अपने इंतकाम तक नहीं पहुंचती शिव जी, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये कुदरत, कोई नहीं रोक सकती मुझे, कोई नहीं। रात चैन की नींद सो लो क्योंकि कल से सुबह मेरी है। घर में किसी को याद हो ना हो, मुझे याद है। आज तुम्हारा जन्मदिन है प्रथा। मुबारक हो बेटा। गोपियों, आज प्रथा का जन्मदिन है और हम सब बड़ी धूमधाम से इसका बर्थडे मनाएंगे। पर प्रथा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है। दीदी को मैं ढूंढ के लाती हूँ। दीदी, अरे भाई एक जा मेरी दोस्ती के नाम है पीरा यार। अरे भाई, लगता है कि इसकी दीदी भी यही कहीं है जिसको ये बुला रही है। अब इसको अपने साथ ही रखते हैं तो इसकी दीदी तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ ही जाएगी। दीदी, आवाज़
बच्ची वाली दीदी कहाँ रह गई? ये कौन है? ए सोनू, चल इसे भी उठा ले। ये लड़के सुन, अगर ये बच्ची चाहिए तो चुपचाप हमारे पास आ जा। बाहों में चलिया, नहीं तो ये बच्ची गई जान से। अरे इतनी मेहनत क्यों करनी? आपने बुलाया और मैं चली आई। आती हूँ ना, इस लड़की को छोड़ दो, तुम लोगों के लिए तो आई हूँ। ठीक हो? ये लो। क्या हुआ, धक्का क्यों मारा? मुझे ऐसा लगा कि मैंने नागिन देखी है। तुम मर्दों की यही तो प्रॉब्लम है ना, प्यार करो तो हवा का झोंका, अपमान करो तो तूफान, इज्जत करो तो खूबसूरत लड़की, और जबरदस्ती करो तो नागिन।